परिवार की तरफ से रिया पर क्या आरोप? देखिए, जो एफआईआर दर्ज कराई गई है उसमें कई आरोप लगाए गए हैं। पिता की तरफ से एफआईआर दर्ज कराई गई है, रविवार को ये एफआईआर दर्ज हुई है और उसमें सीधे तौर पर रिया पर आरोप लगाया गया है। ये कहा गया है कि रिया लगातार उसे परेशान कर रही थी और जो सुशांत का अकाउंट है वो अब खाली है, उसमें पहले पैसे थे और रिया ने ही सारे पैसे निकाल लिए। ये सीधा आरोप है रिया पर कि जो पैसा था उसको रिया ने निकाल लिया। और दूसरा आरोप ये है कि घटना के कुछ दिन पहले रिया ने बार बार उसका फ़ोन रिसीव नहीं किया, सुशांत जब भी बात करते थे वो रिसीव नहीं करती थी और बाद में उसने नंबर ब्लॉक कर दिया। दो आरोप। और तीसरा एक बड़ा आरोप है कि रिया जो है वो ये कहती थी कि मैं मीडिया में बता दूंगी कि तुम्हारे पागलपन का इलाज चल रहा है। सुशांत के बारे में वो ये कहती थी कि मैं मीडिया में जब ये सारी बातें बता दूंगी कि तुम किस बीमारी से ग्रसित हो, तुम्हारा क्या ट्रीटमेंट चल रहा है, तो तुम्हारा कैरियर बर्बाद हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ा आरोप जो सुशांत के पिता ने लगाया है, जो एफआईआर में जिसका जिक्र है, उसमें यह कहा गया है कि मूवी को लेकर भी विवाद था, रिया फिल्में दिलवाने की बात कहती थी और इसी सिलसिले में जब एफआईआर दर्ज हुई है तो 4 सदस्यों की जो टीम है वो मुंबई भेजी गई है, जिसमें राजीव नगर थाना के जो प्रभारी हैं वो उनको IO बनाया गया है। इसके अलावा एक इंस्पेक्टर भी हैं और एक सब इंस्पेक्टर भी हैं। तो जो एफआईआर दर्ज कराई गई है पटना के राजीव नगर थाने में, उसमें ये सारी बातें कही गई हैं और मोटे तौर पर इसमें ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की बात है, चीटिंग की बात है और आत्महत्या के लिए उकसाने की बात है। तो इन सारे आरोपों को अब खुलकर कह दिया है सुशांत के पिता ने। इससे पहले आपको याद होगा वो लगातार सुशांत के पिता कुछ नहीं कह रहे थे, लगातार वो इस मामले पर कुछ भी अभी तक खुलकर नहीं बोल रहे थे, लेकिन इस बीच सीधे पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती, जो हमेशा उनके साथ रही हैं सुशांत के साथ और खुद इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी सपोर्ट करती आई हैं, जयप्रकाश इस वक्त मुंबई से हमारे साथ हैं। जेपी, अब बड़ा सवाल यही है, ये वो रिया है जो सुशांत के साथ संबंध में रही, वो रिया जो खुद इन्वेस्टिगेशन की बात करती रही, लेकिन अब परिवार के लोग खुद रिया पर आरोप लगा रहे हैं। इसी सिलसिले में बिहार की पुलिस टीम भी अब मुंबई पुलिस के संपर्क में है। जाहिर सी बात है, अब कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की जाएगी, वजह खंगाली जाएगी सुशांत की सुसाइड की। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताऊं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में जो मैं जहां खड़ा हूं बांद्रा पुलिस स्टेशन, इसी पुलिस स्टेशन में लगातार पूछताछ जो है वो लगातार चल रही है। 44 दिन पूरे हो चुके हैं जांच को और इस जांच में जो पूछताछ का दौर है वो 43 से ज़्यादा लोगों का बयान लेने तक जो है वो पूछताछ हुई है। रिया चक्रवर्ती इस पूरे पूछताछ में एक ऐसा किरदार रही है जिनका 11 घंटे तक बयान चला है इसी बांद्रा पुलिस स्टेशन में। अब तक जो जानकारी रिया चक्रवर्ती के बारे में आई है, उनके बयान के बारे में आई है, तो उन्होंने यही बताया था कि 9 तारीख को खुद सुशांत ने उन्हें कहा था कि जो डुप्लेक्स फ्लैट है बांद्रा का, वहां से वो चली जाएं। उसके बाद सुशांत जो है घर में अकेले थे अपने नौकरों के साथ में। दूसरी बात ये जानकारी मिली है कि रिया चक्रवर्ती जो है वो सुशांत के साथ बहुत करीबी थी, बहुत करीबी रिश्ता था, जिसकी वजह से सुशांत के कुछ डेबिट क्रेडिट कार्ड का एक्सेस भी रिया चक्रवर्ती को था, ये जानकारी भी पुलिस सूत्रों से मिली है। और एक जानकारी जो मिली है वो ये है कि रिया चक्रवर्ती जो है सुशांत को कुछ फिल्मों को लेकर भी सुशांत के साथ बात कर रही थी। 2-3 जो प्रोजेक्ट थे, वर्चुअल जो एक फॉर्म बनाई गई थी उसमें रिया चक्रवर्ती के भाई भी डायरेक्टर बनाए गए थे। तो जो रिश्ता था रिया और सुशांत का वो बहुत गहरा था और जो FIR दर्ज हुई है बिहार में उसके बाद मुंबई पुलिस बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं रही है। मुंबई पुलिस के DCP, एडिशनल कमिश्नर, कमिश्नर ऑफ पुलिस सबसे बात करने की कोशिश कर रहे हैं, सब ये कह रहे हैं कि अभी हम इस मामले में कुछ नहीं कहेंगे। बिहार पुलिस जो आई है वो अपना जांच करेगी, वो जांच के लिए स्वतंत्र है जी। लेकिन अब जोयता हमारे साथ हैं। जोयता, अहम सवाल आपसे भी है, पर्सनल और प्रोफेशनल रिलेशन रिया का सुशांत के साथ रहा है, लेकिन सुशांत की सुसाइड के बाद परिवार के लोगों के साथ अनबन, यहां तक कि उनके बहनों के साथ उनके वे ऑफ डीलिंग को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। जी बिल्कुल, और ये अनबन जो है वो सुशांत के आत्महत्या के बाद नहीं है, ये अनबन पहले से ही है, क्योंकि पहले से ही ये आरोप लगाए जा रहे थे। इनफैक्ट उनके दोस्तों ने भी दबी जबान में ये कहा था कि रिया ने जो है सुशांत को बिल्कुल ही अलग कर दिया है अपने दोस्तों से, अपने परिवार से। पहले भी हमने ये रिपोर्ट की थी कि सुशांत की बहन के साथ रिया का जो संबंध है वो ठीक नहीं है। ऐसे में जो आरोप लगाए गए हैं, और बहुत वक्त तक उनके पिता जो हैं वो चुप
रहे हैं और अब जो है पिछले दो दिन पहले ही ये जो FIR जो उन्होंने दर्ज किया है और अब जो है ये मामला जहां हमको लग रहा था कि 40 से ऊपर लोगों के साथ पूछताछ हो चुकी है, अब शायद मामला जो है वो ख़त्म होने के कगार पर है, पर ऐसा नहीं है। इस आज का जो डेवलपमेंट है उससे लगता है कि ये मामला जो है एक बार फिर से तूल पकड़ रहा है, क्योंकि अब जो है परिवार ने बोलना शुरू किया है, परिवार ने अपना कंसर्न जताना शुरू किया है। जेपी, अभी तक 40 दिन तक परिवार की तरफ से कोई बयान नहीं आया था, परिवार की तरफ से इन्वेस्टिगेशन को लेकर भी कभी कुछ नहीं कहा गया। जो लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन अभी तक पुलिस का रहा है, 43 लोगों से पूछताछ हो चुकी है, क्या पुलिस उस बात को भी मान रही है दबी जबान में कि सुशांत को इस कदम के लिए उकसाया गया? देखिए, अभी तक अबेटमेंट का कोई मामला मुंबई पुलिस के रिकॉर्ड में नहीं आया है। आज ही इस मामले में जो है धर्मा प्रोडक्शन के जो CEO हैं अपूर्व मेहता, उनका 4 घंटे बयान लिया गया अम्बोली पुलिस थाने में। हमने बार बार पुलिस से ये जानने की कोशिश की कि क्या कोई अबेटमेंट का या कोई फाउल प्ले का मामला अब तक की जाँच में सामने आया है क्या। 44 दिन से जाँच चल रही है, 350 से 350 से ज़्यादा घंटे पूछताछ हो चुकी है, 43 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ हो चुकी, तो अब तक कोई तो ऐसी बात आई होगी। 8 से ज़्यादा बड़े फिल्मी नाम हैं जिनका बयान लिया गया है, जिसमें महेश भट्ट हैं, आदित्य चोपड़ा हैं, शेखर कपूर हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कुछ ना कुछ इसमें आना चाहिए, लेकिन अब तक कोई ऐसी बात आई नहीं थी।